हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं राज एग्रीकल्चर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे, हमने उनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड दोस्तों, बेल आइकन को दबाएँ जिससे हमारे वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नई टेक्नोलॉजी पर है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन क्या होता है। जो कल्टीवेशन प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर किया जाता है, प्रोटेक्टिव घर के अंदर किया जाता है, हाउस के अंदर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। जैसे कि पॉली हाउस के अंदर जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप अंडर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, इट मे बी ग्लास हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस और पॉलीकार्बोनेट हाउस। तो इनके अंदर किसी के अंदर भी अगर हम क्रॉप कर दें तो प्रोटेक्टिव कंडीशन के अंदर आएगा। तो दोस्तों, टोटल एरिया अंडर ग्रीन हाउस कल्टीवेशन कितना है दोस्तों, 1000 हेक्टेयर है। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो दोस्तों, 1000 हेक्टेयर कितना है, 1000 हेक्टेयर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि कितना एरिया है। ग्रीन हाउस किसको बोलते हैं, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स अंडर पार्शली और कंप्लीटली कंट्रोलेबल एनवायरमेंट कंप्राइजिंग सुपर स्ट्रक्चर। दोस्तों, जो है पार्सली और पूरी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम कोई क्रॉप करते हैं तो उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो दोस्तों, ये या तो मेटल के होते हैं या फिर वुड के होते हैं, और ये किससे कवर होते हैं, पॉलीथिलीन से, ग्लास से या पॉली कार्बोनेट से, जो कि ट्रांसलूसेंट हो, ऐसे ग्लास इसको कवर करते हैं। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस समझ में आ गया होगा, ग्रीन हाउस ग्लास का हो सकता है, पॉली कार्बोनेट का हो सकता है, पॉलीथिन का हो सकता है, तो जो कि अंदर थोड़ी हीट पैदा करे, ऐसी स्ट्रक्चर को ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लेडिंग मटेरियल क्या होता है दोस्तों, जिससे हम कवर करते हैं, जिससे जिसके ऊपर कोटिंग होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्लेडिंग मटेरियल बोलते हैं। ये दोस्तों प्लास्टिक हो सकता है, पॉलीकार्बोनेट हो सकता है, पॉलीथिलीन हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो दोस्तों, आप देखिए कोटिंग ऑफ ग्रीन हाउस, तो दोस्तों ये इसको क्या बोलते हैं, क्लेडिंग मटेरियल बोलते हैं। ग्लास हाउस क्या होते हैं दोस्तों, जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर ग्लास से कवर होती है उसको ग्लास हाउस बोलते हैं। सबसे ज्यादा ग्लास हाउस दोस्तों टेम्परेट रीजन में ही पॉपुलर होते हैं। सो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वेरी पॉपुलर इन नेदरलैंड, तो ग्लास हाउस जो होते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पर पॉपुलर है, नेदरलैंड में। दोस्तों, कमर्शियल जो ग्रीन हाउस होते हैं उनका ओरिएंटेशन कहाँ होता है, ईस्ट वेस्ट में होता है। दोस्तों याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और कोई आपको दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इसकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट होती है, जिससे कि सर्दियों में जो लाइट का ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा हो सके और प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल सके। और मोस्ट अनिवल कब होती है दोस्तों, जब उसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है। मीन्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर हम किसी ग्रीन हाउस बनाते हैं तो उसमें लाइट ट्रांसमिशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको देखते रहिए और प्लीज पूरा वीडियो देखिए, ये इसका पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम और इसको आगे बताएंगे। जो लाइट का लॉस होता है दोस्तों ड्यूरिंग विंटर मंथ में, वो 30% होता है। तो मतलब इसका मतलब 70% लाइट का ट्रांसमिशन होता है, बट जो 30% लॉस हो जाता है। वेंटिलेशन वेरी एसेंशियल है किसके लिए, तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए और आरएच मेंटेन के लिए, आरएच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। दोस्तों, तो वेंटिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके लिए आरएच और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। जब
टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है गर्मियों में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? तो हम ग्रीन सीड नेट पॉली हाउस के ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि इनकमिंग जो रेडिएशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं और एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम और टू कंट्रोल टेम्परेचर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग। तो दोस्तों जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसको फैन एंड फायर सिस्टम बोलते हैं, अपनी कंट्रोल ग्रीन हाउस में उसको यूज करते हैं, और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैन एंड फायर सिस्टम टाइप ग्रीन हाउस। पॉली टनल्स क्या होते हैं दोस्तों? ये एक जो स्टील और या आयरन के पाइप के हुक बना के इनको बहुत लंबे लंबे खेत में बना दिया था ओपन कंडीशन में, तो ये इनको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। तो इसको किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों? इसको नर्सरी के लिए यूज करते हैं। पॉली टनल्स हमेशा नर्सरी के यूज करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल पॉली टनल्स का यूज बहुत हो रहा है नर्सरी के लिए। ओवर टनल्स क्या होते हैं दोस्तों? ये 30 से 50 सेंटीमीटर हाइट तक इनको बनाते हैं, छोटे छोटे वायर के ऊपर अपन जब पॉलीथिन कवर्स को पॉलीथिन कवर से कवर कर देते हैं, उसको लो टनल्स बोलते हैं। ये दोस्तों रो कवर्स को, वेजिटेबल्स को, रो क्रॉप्स को कवर करता है। तो याद रखिए, वेजिटेबल की रो क्रॉप को के लिए लो टनल्स और नर्सरी के लिए पॉली टनल्स। जो लो टनल्स होते हैं वो दोस्तों टेम्परेरी होते हैं, याद रखिए टेम्परेरी होते हैं, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। कोल्ड फ्रेम्स आर मेनली यूज्ड टू राइज प्लांट्स फ्रॉम सीड। जो कोल्ड फ्रेम्स होते हैं दोस्तों, ये ठंडों में सीड जर्मिनेशन के यूज करते हैं या फिर हार्डनिंग के यूज करते हैं। हार्डनिंग में से प्लांट्स को थोड़ा सा सोख देते हैं, उसको स्ट्रोंग बनाते हैं, उसको हार्डनिंग बोलते हैं। तो कोल्ड फ्रेम्स जो होते हैं दोस्तों वो हार्डनिंग के लिए यूज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, प्लॉटिंग मल्चेस क्या होते हैं? प्लॉटिंग मल्चेस दोस्तों, आजकल मार्केट में बड़े बड़े कवर आ गए हैं, बहुत लाइट वेट के जो वाइट होते हैं, और उनको डायरेक्ट को जो वेजिटेबल्स के रो होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट डाल दिया जाता है उनके ऊपर। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? फ्रॉस्ट से उसकी रक्षा करते हैं, फ्रॉस्ट से उसको बचाते हैं, फ्रॉस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। मीन्स जो इसको क्रॉप कवर भी बोलते हैं दोस्तों, तो जो क्रॉप कवर होते हैं वो प्लांट्स को फ्रॉस्ट से बचाते हैं, ये विंटर में यूज करते हैं। इन मेघालय मोर देन 90% ऑफ ग्रीन हाउस आर कवर्ड विद ग्लासेस। दोस्तों पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेदरलैंड इस टेम्परेट कंट्री है, बहुत ठंडा है वहां पर, तो वहां पर क्या करें, जो ग्रीन हाउस है वो ग्लास के बने होते हैं। और दोस्तों चाइना में तो प्लास्टिक फिल्म यूज करते हैं, मीन्स पॉलिथीन यूज करते हैं, वहां पर वो बहुत कम ग्लास हाउस होते हैं। इंडिया में भी दोस्तों मोस्टली पॉलिथीन यूज करते हैं, मीन्स इंडिया में ग्लास हाउस और पॉलीकार्बोनेट हाउस बहुत कम देखने को मिलते हैं। बेंगलोर टाइप ऑफ ग्रीन हाउस डिजाइन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन हाउस टाइप इन वर्ल्ड। दोस्तों जो डिजाइन है बेंगलोर का, तो जो ग्रीन हाउस का डिजाइन है उसको वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये इसको भी याद रखिए, साइंटिस्ट नाम को इनकी इज्जत कीजिए प्लीज, क्योंकि इनको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, ग्लास हाउस जो होते हैं नेदरलैंड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चाइना पोलिथीन के सबसे नाम होते हैं ग्रीन हाउस, और इंडिया में भी पोलिथीन के होते हैं। प्लास्टिक फिल्म मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल इन द वर्ल्ड। दोस्तों प्लास्टिक फिल्म मतलब ही पॉलीथीन जो होता है उसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं वर्ल्ड में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या यूज हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक फिल्म का जो लाइट ट्रांसमिशन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, कभी कभी लोग उसका आंसर कांच लगा देते हैं, ग्लास लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पॉलीथीन का लाइट ट्रांसमिशन ग्लास से भी अधिक होता है। एनपीसीएल क्या होता है दोस्तों? नेशनल कमिटी ऑन प्लास्टिक कल्चर एप्लीकेशन इन हॉर्टिकल्चर। ये दोस्तों 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो याद रखिए एनपीसीएल का फुल फॉर्म। और सीपीसीटी क्या होता है दोस्तों? सेंटर फॉर प्रोडक्टिव कल्टीवेशन इज लोकेटेड एट आईआरआई, नई दिल्ली। आईआरआई की फुल फॉर्म होती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
दोस्तों आईआरआई 1905 में बनाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद कर लीजिए कब बना था आईआरआई 1905 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटर फॉर प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन इज लोकेटेड एट आईआरआई न्यू दिल्ली। दोस्तों हम अपने मेन टॉपिक के साथ उसके रिलेटेड टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ आ जाता है तो। अगर आपको इस तरह से और डिटेल डिस्कस करना है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिए। लो कॉस्ट और नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस जो होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है? दोस्तों नेचुरली वेंटिलेटेड और लो कॉस्ट ग्रीन हाउस होता है वो कुकुमर के लिए होता है। ग्रीन शेड नेट भी कुकुमर के लिए बहुत अच्छा सुटेबल है दोस्तों, उसको भी याद रखिए। इंसेक्ट प्रूफ नेट जो होता है उसको किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, उसके किसके प्रोडक्शन यूज करते हैं? तो दोस्तों याद रखिए टोमेटो और चेरी टोमेटो और कैप्सिकम के लिए यूज करते हैं। दोस्तों रेन शेल्टर क्या होते हैं? रेन शेल्टर के बारे में आपको पता होगा कि जो हैवी रेन से क्रॉप्स की जो रक्षा करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनको रेन शेल्टर बोलते हैं। दोस्तों ये जो टॉप पॉइंट है इसको याद रखिए, जो इंसेक्ट प्रूफ जो नेट है उसको टमाटर उसके ऊपर बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो वायरस फ्री होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ ग्रीन हाउस कौन सा होता है? गटर कनेक्टेड ग्रीन हाउस होता है। दोस्तों याद रख लीजिए ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, आप याद रखिए इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस टेम्परेचर बाय यूजिंग इवेपोरेटिव कूलिंग मेथड। दोस्तों जो ग्रीन हाउस का जो टेम्परेचर है वो किस मेथड से कंट्रोल होता है, किस मेथड से टेम्परेचर कम होता है, तो उसके बारे में आप याद रखिए इवेपोरेटिव कूलिंग मेथड से होता है। याद रखिए दोस्तों इवेपोरेटिव कूलिंग मेथड मीन्स जो मॉइस्चर होती है इवेपोरेट होती है और थोड़ी हवा चलती है तो वो कूल हो जाती है, यही सिस्टम पे उस ग्रीन हाउस को ठंडा करने का एक मेथड है। दोस्तों मेरा दूसरा टॉपिक इसमें ऐसा आपको जाता है कि ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन कितना होता है ग्रीनहाउस कल्टीवेशन करने के लिए, तो 1000 से 2000 ppm होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिए 1000 से 2000 ppm होता है क्योंकि जो CO2 होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा CO2 लेवल बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है और हमारा अल्टीमेट यील्ड भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट लाइफ ट्रांसमिशन परसेंट ऑफ ग्लेजिंग मटेरियल तो किस में सबसे ज्यादा होता है? तो दोस्तों याद रखिए पॉलीथीन में सबसे ज्यादा होता है, पॉलीथीन में सबसे ज्यादा लाइफ होता है। ग्लास ऑप्शन नहीं चूज कीजिए प्लीज, ये ग्लास में नहीं होता है, कांच समझ के लोग कांच लगा देते हैं उसमें नहीं होता है। बाक इंटरनल्स किसके यूज पे होता है? दोस्तों बाक इंटरनल्स जिसके अंदर आदमी वॉक कर सके, जो कि आयरन के छोटे छोटे से पाइपों से बनाया जाता है। लो कॉस्ट सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, चाहे तो हम इसको 10 साल में निकाल सकते हैं, तो ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। ये दोस्तों कुकुबर्ड्स के लिए होता है, स्पेशली कुकुमर और अदर अदर कुकुबर्ड्स के लिए। दोस्तों याद रखिए बाकी इंटरनल्स किसके लिए होता है? कुकुबर्ड्स के लिए, वेरी वेरी यूजफुल होता है। प्लास्टिक लोटर्स और रो कवर्स, दोस्तों जो स्ट्रक्चर्स लेड आउट इन ओपन फील्ड और कवर रो ऑफ द प्लांट्स विच ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म। दोस्तों ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म से अगर हम रो क्रॉप्स को कवर कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक लोटरेंस बोलते हैं, क्योंकि शर्त है कि जो क्लेडिंग मटेरियल किसका होना चाहिए? प्लास्टिक का होना चाहिए। तो दोस्तों जो ओपन फील्ड में अगर किसी रो को हम कवर कर देते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से तो उसको प्लास्टिक लोटरेंस बोलते हैं, और इसके बाद रो कवर से बोलते हैं क्योंकि ये रो के ऊपर स्पेशली छोटे छोटे रोग होते हैं उनके ऊपर ये लेड डाउन की जाती है। सिंपल एंड लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन बेस्ड प्रोडक्शन इज ओपन फील्ड। दोस्तों हम यहाँ एक क्वेश्चन हमें याद आया, हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। एक क्वेश्चन आता है कि पॉली हाउस ग्रीन हाउस का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है ऑक्सीजन कल्टीवेशन। जितने भी ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर है उनका सभी का उद्देश्य है ऑक्सीजन कल्टीवेशन। और अगर उसकी जगह दूसरा आता है कि थ्रू आउट द कल्टीवेशन, तो दोस्तों वो भी एक तरह से
ठीक है, लेकिन ऑप्शन कंटिन्यूशन इज अ मोस्ट करेक्ट आंसर। नेट हाउस दोस्तों, नेट हाउस क्या होते हैं, जो आजकल आपने देखे हुए ग्रीन सीड नेट्स का घर टाइप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर जो कल्टीवेशन करते हैं उसको नेट हाउस कल्टीवेशन बोलते हैं दोस्तों। आजकल वो भी जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां के लिए बहुत सुटेबल है, इसमें हाई डेंसिटी पॉलीथिन का यूज होता है। और दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आज इसमें है पॉइंट, वो है कि ये 25 से 75% सीड नेट के होते हैं। मीन्स आजकल जो 25 से 75% सीड तक की नेट हाउस नेट हमको मार्केट में मिल सकती है, वो जो जनरली आजकल 50% सीड जो नेट यूज हो रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, पूछा जा सकता है कितना परसेंट सीड वाला हम यूज कर रहे हैं। ये इंसेक्ट प्रूफ नेट होता है अगर उसकी साइज जो होते हैं 40 से 60 मेश साइज हो, ये प्रीफॉर्म वर्सेस होता है। प्लास्टिक मल्चेस के बारे में आपने सुना होगा, मल्चेस क्या होते हैं दोस्तों, अगर हम प्लांट्स के जो अराउंड बेस को अगर हम चाहे पत्थर से, काउडंग से, कंपोस्ट से, स्ट्रॉ से, पॉलिथीन फिल्म से अगर हम कवर कर देते हैं, उद्देश्य क्या रहता है कि हमारा हम उसको मॉइस्चर कंजर्व कर सकें, तो उसको मल्चिंग बोलते हैं। तो दोस्तों मल्चिंग क्या होता है, कवरिंग ऑफ द अराउंड द प्लांट बेस टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर इज कॉल्ड एज मल्चेज। तो मल्चेज दोस्तों सबसे ज्यादा यूजफुल कहाँ होते हैं, जहाँ पानी की स्कर्सिटी होती है। तो और मल्चेज के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो मल्चेज का सबसे पहला एडवांटेज है कि ये पानी बचाता है, दूसरा ये है कि वीट को ग्रोथ कम करता है, तीसरा ये कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है, फोर्थ वन है कि टेम्परेचर ऐड करता है, नेक्स्ट वन है कि माइक्रो एक्टिविटी को बनाए रखता है। तो दोस्तों कवर्ड मल्चेज प्लास्टिक मल्चेज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट डैमेज को कम करते हैं, किसको, इंसेक्ट डैमेज को कम करते हैं। कवर्ड मल्चेज जैसे पीली हरी लाल पिंक जो भी आती है, जो मल्चेज होते हैं वो इंसेक्ट डैमेज होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट रिपेलेंट होते हैं, इनसे इंसेक्ट दूर भागते हैं। स्पेशल जो येलो मल्च होती है वो व्हाइट प्लाई को कंट्रोल करती है, व्हाइट प्लाई को रिप्लेस करती है। ब्लैक प्लास्टिक मल्चेज जो होते हैं दोस्तों, ये सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए कौन सी प्लास्टिक मल्च का यूज किया जाता है, तो ब्लैक प्लास्टिक मल्च का यूज करते हैं दोस्तों। इसको याद रखिए, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए ब्लैक पॉलीथिन का यूज करेंगे ये मल्च। मतलब अगर हम ट्रांसप्लांट मल्च यूज करते हैं तो दोस्तों वो उसकी थिकनेस लगभग 30 से 40 माइक्रोन होना चाहिए। वो जो सोइल सोलराइजेशन के यूज करते हैं, सोइल सोलराइजेशन क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको डिसीज के माइक्रोब्स होते हैं, वीड सीड होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। सोइल सोलराइजेशन क्या होगा दोस्तों, इसको धूप में फिर खुला छोड़ देते हैं, फिर मॉइस्ट करके उस पर ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ब्रीफ टॉपिक था, ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में बताएंगे। अगर दोस्तों हमारा इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की इंफॉर्मेशन उनको भी मिलती रहेगी। तो प्लीज प्लीज वॉच फुल वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।